तो कैसा अगर आप भूल चुका कि लुक चेंजर इमेज देखने में कैसा आए थे, एक बार भाई वीडियो को देख लीजिए। ये वाला लुक चेंजर आप लोग की ईवो रैम्पेज बंडल के साथ देखने को मिला था एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि OB37 की अपडेट में आप लोगों को एक लुक चेंजर इमोट देखने को मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मैं ऑलरेडी न्यू लुक चेंजर इमोट का रिव्यू कर चुका हूँ, तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करते हो तो आप लोगों को ऐसा भी अपडेट पहले से ही मिल जाएगा। वीडियो के बीच में आप लोगों को न्यू लुक चेंजर इमोट का रिव्यू देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो देखते रहिए। वीडियो भाई बहुत ही कमाल का होने वाला है, यहाँ पे नया नया इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा OB37 रिलेटेड, जहाँ पे आप लोगों को टॉप चेंजेस होने वाला है आफ्टर अपडेट के बाद, वो सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि दो इक्विपमेंट आने वाला है गेम के अंदर, एक तो है अम्ब्रेला एक है ट्रैम्पोलिन। तो अम्ब्रेला इक्विपमेंट का बेसिक काम है आप लोगों को भाई गोली के डैमेज से बचाना। देख पा रहे यहाँ पे मैं गोली से डैमेज दे रहा हूँ एंड अम्ब्रेला मुझे भाई प्रोटेक्ट कर रहा है गोली के डैमेज से। तो हम लोगों को एडवांस सर्वर की सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड में ये अम्ब्रेला इक्विपमेंट देखने को मिला है, जहाँ पे हम लोग अम्ब्रेला इक्विपमेंट का यूज करके एनिमी के गोली से बच सकते हैं। जो अम्ब्रेला इक्विपमेंट है ये चार्जिंग के ऊपर निर्भर करता है, जितना भाई डैमेज खाएगा उतना भाई गर्म होता जाएगा अम्ब्रेला इक्विपमेंट एंड गर्म होने के बाद भाई ऑटोमेटिक भाई अम्ब्रेला ऑफ हो जाएगा। अम्ब्रेला इक्विपमेंट हम लोगों को नॉर्मली ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर ही देखने को मिला है, जहाँ पे हम लोगों को क्लास स्क्वाड में भाई ट्रैम्पोलिन इक्विपमेंट देखने को मिला है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रैम्पोलिन नाम का इक्विपमेंट देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर जंप करके आप ऊपर उठ सकते हो, ऊपर उठने के टाइम पे गोली भी मार सकते हो। तो क्लास स्क्वाड के पोचिनक के जो घर रहते हैं छत के ऊपर उठ के भाई हम लोगों को भाई बहुत ही डैमेज वैमेज देता है, तो उन सभी लोगों को बैंड बजाने के लिए भाई बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट दिया गया है। मुझे तो भाई ट्रैम्पोलिन वाला इक्विपमेंट बहुत ही अच्छा लगा है, जो भी भाई छत के ऊपर उठ के भाई गोली मारने की कोशिश करेगा उसको बैंड बजाने का भाई बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है हम लोगों को। परंतु मेरा सोच का उल्टा भी हो सकता है, क्लास कट के हर एक घर के छत के ऊपर आप लोगों को कोई ना कोई एक एनिमी देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप नीचे से वॉकिंग या रनिंग करते हो तो आप लोग भाई अपना सर को बचा लीजिए। साथ साथ क्लास कट में और एक अगर इक्विपमेंट ऐड कर देता है तो क्लास कट और भी भाई बहुत ही अनस्टेबल भाई गेम प्ले हो जाएगा एंड कोई भी खेलना नहीं पसंद करेगा। वो है हमारा न्यू ड्रैगन गन, मतलब हमारा जो न्यू ड्रैगन गन आना है वो हमारा 2-in-1 गन होने वाला है। एक है शॉट गन, दूसरा है हमारा ग्रेनेड लॉन्चर। तो मैक्स 7 की तरह आप लोग गोली भी चला सकते हो, उसके साथ साथ ग्रेनेड लॉन्चर की तरह ग्रेनेड भी फेंक सकते हो। तो ये चीज अगर भाई क्लास कट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो काफी खतरनाक अनस्टेबल भाई गेम हो जाएगा। तो स्पेशली मना करूंगा कि क्लास कॉड में ऐसे खतरनाक चीज इंट्रोड्यूस ना करके भाई आप लोगों को बीआर मैप में भाई इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। मैं फ्री फायर को सलाह देना चाहूंगा ये सभी चीजें इंट्रोड्यूस ना करा के आप लोग भाई हर एक अपडेट में कुछ भाई गेमिंग यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर काम तो कर सकते हो। जैसे कि भाई बोट नहीं है हमारे गेम के अंदर, हम लोग गाड़ी से बाहर भाई गोली नहीं मार सकते, पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, मैप थोड़ा बड़ा करना चाहिए, प्लेयर थोड़ा भाई बड़ा देना चाहिए, तभी भाई मजा आएगा भाई खेलने में हमारा पुराना फ्री फायर परंतु भाई न्यू टेस्ट के साथ। क्या आप लोग मेरे बात से सहमत है? अगर सहमत होते हो तो भाई कमेंट करके जरूर से बता देना एंड भाई वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई चैनल को भाई जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसको बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके लिए आप लोग भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हो हमारा लुक चेंजर इमोट कैसा होने वाला है। परंतु उससे पहले मैं बुलेट मास्टर नाम का एक अरेबल इमोट को भाई फुल प्री एक्सेस मिल चुका है। इससे पहले ब्लू ड्रैगन स्काइविंग का एक फुल प्री एक्सेस आप लोग को दिखाया था, वो भी हमारा OB37 FFW स्पेशल होने वाला है। जो बुलेट मास्टर का जो अरेबल इमोट देख पा रहे ये भी भाई काफी खतरनाक मुझे लगा है, मुझे भाई बहुत ही अच्छा लगा है कि आप लोगों को बुलेट मास्टर अरेबल इमोट से MVP इमोट अच्छा लगा है, जरूर भाई कमेंट करके बताना। चलिए गाइस इस वीडियो का मेन टॉपिक एक बार देख लेते हैं, न्यू लुक चेंजर इमोट जो भाई हमारा उल्फ पैक नाम का होने वाला है, मतलब उल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इमोट होने वाला है। देख पा रहे बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है, ये अभी तक रेडी नहीं हुआ है परंतु इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर देख के मुझे लग रहा है कि बंडल बहुत ही खतरनाक होने वाला है। एनी वाला जो लुक चेंजर वाला इमोट से ये आप लोग को इंटरनल स्पेशल इवेंट के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, मतलब FFWS में तो आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। FFWS में आप लोगों को सिलेक्टेड सीरीज का एक लेजेंडरी बंडल देखने को मिलेगा, परंतु मुझे सोचने में हैरानी हो रही है कि हम लोग को अभी तक ईवो बंडल की कोई भी अपडेट्स नहीं मिला है एंड ये लुक चेंजर इमोट देखने को मिल रहा है। तो क्या हम लोगों को लुक चेंजर इमोट सोलो देखने को मिलेगा? अगर सोलो देखने को मिलता है तो आप लोगों को एक बंडल भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा एंड टोकन टावर जैसे कोई इवेंट में ही देगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक लग रहा है लुक चेंजर इमोट। एंड मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक ईवो फिस्ट आने वाला है आप लोगों को भाई, जो ईवो गन है ईवो गन टोकन देकर अपडेट करना पड़ता है, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे ईवो फिस्ट को भी अपडेट करना पड़ेगा। रनिंग के टाइम एक अलग सा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, किलिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, हीट इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, अटैकिंग इफेक्ट, ये सभी जो भाई आप लोगों को ईवो गन के ऊपर देखने को मिलता है ईवो फिस्ट के ऊपर भी आप लोगों को ऐसा भी सभी चीजें देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक भाई फाइल रेडी करके हम लोगों को एडवांस सर्वर में दिया तो नहीं गया है, आशा करता हूं OB37 की फुल जो अपडेट है फुल अपडेट के बाद हम लोगों को ईवो फिस्ट का लुक्स मिल जाए। परंतु ईवो फिस्ट का फर्स्ट लुक्स मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, और FFWS थीम बेस्ड होने वाले वहां पे लिखा हुआ है FFWS 2022, जहां पे भाई हम लोगों को एक वीडियो टीजर के अंदर भाई ईवो फिस्ट का फर्स्ट लुक देखने को मिला था। पुराने वीडियो में मैं ऐसे भी चीजें आप लोगों को दिखा दिया था, तो अगर भाई कोई यूजर नया है तो वीडियो को और एक बार देख लीजिए। फिलहाल हम लोग वीडियो को एक बार खत्म करेंगे, और भी भाई अपडेट आने वाला है OB37 रिलेटेड, लाइक भाई बंडल, लाइक ऑल इमोट्स एंड हमारा जो पेड है पेड का पावर भी भाई टेस्ट करके आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो कैसे अगर आप इन सभी चीजों के ऊपर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए।